इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना भविष्य खुद तय करना है, कोरोना काल में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मुलाकात के बाद कहा कि जनता की सेवा बेहतर तरीके से हो, इस पर ही बात की गई है कि कैसे और बेहतर किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि जो संगठन के हिसाब से नहीं चलेगा वो नहीं रह पाएगा। और क्या कुछ किन मुद्दों पर बात रखी, आइए सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस को अपना भविष्य अपने आप ढूंढना है, दूसरे राजनीतिक दलों पर टिप्पणी करना ये मेरी आदत नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत है। वो उनको मैं अपने तरह से साधुवाद उनको देता हूं अपनी सोच विचारधारा के लिए, ये मेरी सोच विचारधारा नहीं है। मुझे एक मिनट मुझे केवल अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ मतलब है, अपने संगठन के साथ मतलब है, अपने कार्यकर्ता के साथ मतलब है और मध्य प्रदेश की जनता के साथ मतलब है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता मेरा है और मैं सभी का हूं। भारतीय जनता पार्टी में आप समझ लीजिए, अगर अभी तक नहीं समझे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पैठ नहीं होती, किसी गुट का पैठ नहीं होता, केवल संगठन होता है, सेवा भाव होता है। और जैसे नड्डा जी ने कहा, संगठन ही सेवा है, उसी आधार पर हम लोगों को आगे चलना है। और जो व्यक्ति इसको नहीं अपनाएगा वो ज्यादा लंबा इस सेवा भाव संस्था में नहीं रह पाएगा। खबर